फाइनली फ्रेंड्स आई विल गेट हियर जीरो, नल डिफ्लेक्शन दैट इज जीरो, और यहाँ पे जो मेरे सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक और एक्सपेरिमेंट लेके हाजिर हो गया हूँ। तो आपका ये फिजिक्स का 12th का एक्सपेरिमेंट है, और ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10, E1 by E2 by using potentiometer, pair EMF of the two given cell by using potentiometer wire। तो हमें basically यहाँ पे compare करना है दो cell को, ठीक है, कौन कौन से cell है हमारे पास। तो एक हमारे पास Leclanche's cell रहेगा और एक हमारे पास copper vessels का cell रहेगा, दो cell हम यहाँ पे use करने वाले। और ये experiment बहुत easy है friend, इस पे physics chemistry से related सारे videos हैं, आप जाइए उसको चेकआउट कीजिए। अपने हैंडबुक्स में कैसे लिखना है सारी चीज़ें मैंने बताई, एग्जाम में 30 out of 30 मार्क्स आपको कैसे लाना है सारी चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, E1 बाई E2 को। एक तो मैं आपको इंडिविजुअल मेथड एक अलग पार्ट बताऊंगा, और एक सम एंड डिफरेंस मेथड जो कि मैंने दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फ्रेंड्स ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 E1 by E2 यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और ये काफी इजी एक्सपेरिमेंट है। इसमें कंपेयर करना टू कंपेयर EMF ऑफ द टू गिवन सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। इसके लिए हमें क्या क्या लगने वाला है ये आप डायग्राम देखिए। फर्स्ट प्रैक्टिकल्स हम लोग करने वाले इंडिविजुअल सेल मैथड और सेपरेटेड सेल मेथड, ठीक है, सेपरेट सेल मेथड ये है, और दूसरा हम लोग करेंगे सम एंड डिफरेंस मेथड। तो पहले आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है हम करने वाले इंडिविजुअल सेल मेथड, दैट इज E1 by E2 इज इक्वल्स टू L1 by L2, ठीक है। और ये बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स, इस पर फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोज है, आप जाइए चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। नाउ यू हैव टू सी हियर, दिस इज अ पोटेंशियोमीटर वायर, इट इज अ 4 लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर, दैट इज 100 200 300 और 400। तो देखिए ये आपका है ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये आपका क्या है पूरा ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। अब ये देख रहे हैं ये 100 का है, ये 200, ये 300 और ये 400। इसमें होता कैसे, तो यहां से लेके पूरा एंड तक ये 100 होता है, ठीक है, ये कहां तक होता है 100। उसके बाद ये 101 से चालू होता है और ये फिर वहां तक होता है 200, फिर 201 से चालू होता है यहां तक होता है 300, 301 से चालू होता है, ठीक है, और ये 400। अभी हमें कुछ कनेक्शंस देखने हैं फटाफट, यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे कनेक्शंस देखने हैं। अब इस कनेक्शंस में आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका ये जो 4 मीटर पोटेंशियल वायर है ये आपका ए टर्मिनल है, और दूसरा वाला जो है 400 मीटर जहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपका क्या है बी टर्मिनल, सॉरी 400 जो सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, वो बी टर्मिनल है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये आपका ए टर्मिनल है और ये आपका बी टर्मिनल है, ये आपका ए टर्मिनल है फ्रेंड्स और ये आपका क्या है बी टर्मिनल। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो देखिए ए टर्मिनल से ना 3 वायर निकला हुआ है, एक वायर आपको E2 से कनेक्टेड है, दूसरा वायर E1 से कनेक्टेड है, और तीसरा वायर बैटरी से कनेक्टेड है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि E1 E2 है क्या। तो E1 इज नथिंग बट व्हाट योर Leclanche's सेल है, और E2 इज नथिंग बट व्हाट योर कॉपर वेसल से। तो मैं फटाफट इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका Leclanche's सेल, इसमें जो ये कार्बन का रॉड है दैट इज योर पॉजिटिव, ये जिंक का रॉड है दैट इज योर नेगेटिव। ये रहा आपका कॉपर वेसल्स, ये कॉपर वेसल्स जो है ये पॉजिटिव है, और इसके अंदर जो पोरस है, ठीक है, जिंक रॉड, ठीक है, ये क्या है आपका नेगेटिव। मतलब जिंक आपका क्या रहने वाला है नेगेटिव, और जो वेसल्स रहने वाले वो क्या है पॉजिटिव। यहाँ पे भी कार्बन रॉड पॉजिटिव है और जो जिंक का रॉड है वो क्या है नेगेटिव है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि जो ए का पार्ट है वो एक बार E1 से कनेक्टेड है E2 से, मतलब एक बार कॉपर वेसल से कनेक्टेड है, एक बार Leclanche's सेल से कनेक्टेड है, और ए वाला ही पार्ट आपके बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है। तो ये जो ए वाला पार्ट है ये आपका बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्टेड रहेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का क्या है नेगेटिव है। तो चलो मैं फटाफट पहले ये वाला कनेक्शन कर लेता हूं यहाँ पे। सो दैट इज योर ए पॉइंट इज कनेक्टेड टू व्हाट A1 E2 A पॉइंट इज कनेक्टेड टू व्हाट E2 और E1 कॉपर वेसल्स और Leclanche's सेल। तो ये दोनों तो यहाँ पे कनेक्शन होगा, और ए से ही आपका क्या कनेक्टेड है बैटरी का पॉजिटिव। तो ये मेरा बैटरी का पॉजिटिव, मतलब 3 वायर यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। तो ये मैं तीनों वायर को एक साथ यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स अब आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। तो देखिए आपका जो E1 E2 है ये आपका किससे कनेक्टेड है, की E1 K1 और K2 K1 K2 हमारा की है। तो E1 का नेगेटिव कनेक्टेड टू K1 से और E2 का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू K2 से। तो E1 का नेगेटिव कौन सा, जिंक रॉड हमारा नेगेटिव होता है, और K2 का नेगेटिव कौन सा है,
तो सॉरी E2 का नेगेटिव कौन सा, तो जिंक रॉड हमारा नेगेटिव होता है। तो ये दोनों नेगेटिव हमारे किसके कनेक्टेड होंगे, की से कनेक्टेड होंगे, ये दोनों हमारे की है। तो मैं दोनों के नेगेटिव जो वायर है वो की को की से क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और ये भी देखिए, ये मैं ईवन वाला वायर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों का जो वायर निकला हुआ ये दोनों कहाँ कनेक्टेड है, तो देखिए K1 K2 के जो दोनों वायर है ये आपके गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। K1 K2 के दोनों वायर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का क्या है यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ये आपका रहा E1 और ये फ्रेंड्स रहा आपका E2। ठीक है, तो E1 और E2 आपके किससे कनेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर्स के पॉजिटिव से, मतलब दोनों वायर E1 और E2 के दोनों वायर आपके गैल्वेनोमीटर्स के पॉजिटिव पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों वायर्स को मैं यहाँ पे लूंगा। ठीक है, अब ये दोनों वायर्स को मैं क्या कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर्स के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दूंगा। अब फ्रेंड्स दोनों वायर मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, अब गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड से क्या निकलेगा, जॉकी, क्या निकलेगा दूसरे एंड से, जॉकी। तो फ्रेंड्स ये है मेरा जॉकी। ठीक है, अब इस जॉकी को मैं क्या कर दूंगा, गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर दूंगा अपने दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे आपका जो बैटरी का जो नेगेटिव है, ठीक है, वो की से कनेक्टेड, पर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑन ऑफ में ऑलरेडी ये बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से वो आपके रिहर्स्टोड के एक 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 जो जिस तरह का कनेक्ट है, और रिहर्स्टोड का जो वेरिएबल्स होगा ना वो बी से कनेक्टेड होगा। याद रखना इसका साइन मतलब होता है ना जिगजैग साइन, ये रिहर्स्टोड है और रिहर्स्टोड का वेरिएबल गेट कनेक्टेड इनटू बी टर्मिनल। तो चलो फटाफट कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये आपका रिहर्स्टोड है, ठीक है, ये आपका ये जो टर्मिनल्स है ये दोनों कॉमन होते हैं। ठीक है, ये आपका वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स किससे कनेक्ट होगा, बी से, और कॉमन में से कोई एक बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल्स किससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सो वेरिएबल्स इज कनेक्टेड टू व्हाट विथ योर बी टर्मिनल। ठीक है, वेरिएबल्स इज कनेक्टेड टू व्हाट योर बी टर्मिनल, ये आपका बी टर्मिनल आपको मैंने शुरू में ही बताया। एक कॉमन टर्मिनल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला ले रहा हूँ, ये कॉमन वाला। ठीक है, गेट कनेक्टेड इन टू वॉट बैटरी के नेगेटिव से। अभी हमें यहाँ पे करना क्या है, तो बैलेंसिंग लेंथ व्हेन इवन इज इन द सर्किट, ये बच्चे ने रीडिंग लिया हुआ है, लेकिन मैं अगर ये रीडिंग इसके हिसाब से मेरे प्रैक्टिकल के हिसाब से मैच किया तभी तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज नहीं मैच किया तो मैं अपनी भी रीडिंग लिख सकता हूँ। लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं वो मुझे बताना है यहाँ पे, क्योंकि आप बोर्ड के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, 30 out of 30 आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, सो बैलेंसिंग लेंथ व्हेन इवन इज इन द सर्किट, ये आपका इवन है, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, इवन, लाइक लंच सेल इज योर इवन। तो जब सर्किट में इवन लेना है तो सर्किट में इवन कैसे लोगे, तो आप ना इवन को क्लोज करोगे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ना की को क्लोज कर दिया, ये इवन का है, देख लिए ये वायर इवन से कनेक्टेड है, और ईटी को क्या रखा है, ओपन रखा है। तो यहाँ पे यही बोला है कि बैलेंसिंग लेंथ व्हेन इवन इज इन द सर्किट, आपको इवन को सर्किट में लेना है, फिर बैलेंसिंग लेंथ व्हेन ई2 इज इन द सर्किट, तो जब दूसरे वाली की रीडिंग लोगे तो ई2 को सर्किट में डालोगे और इवन का सर्किट निकालो, मतलब इवन का की निकालोगे। एक बात ध्यान से सुनो, जब इवन को सर्किट में लोगे तो इवन में की डाल दोगे, के में की डाल दोगे, लेकिन जब E2 को सर्किट में लोगे तो E1 का निकाल दोगे और E2 में की डाल दोगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये तो आपको पता चल गया, तो मैंने यहाँ पे E1 में सर्किट डाल दिया है, ये बैटरी मैंने चालू कर दिया, उसको 4 वोल्ट पे सेट कर दिया है। ठीक है, चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने E1 को यहाँ पे सर्किट, अब आप यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर में आपको नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन क्या दिखा रहा है, जीरो। अब आप फटाफट ना कभी भी चेक कर लीजिए, देखिए फिलहाल आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना रहता है, अगर आप वायर के एक साइड इस चौकी से टच करेंगे ना तो आपको गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन जैसे दूसरे वायर को टच करेंगे ना गैल्वेनो इससे चौकी से, तो आपका गैल्वेनोमीटर दूसरे साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको करके, देखो मैंने इसको यहाँ पे टच, अभी देखो आपका गैल्वेनोमीटर क्या है, जीरो पर है। ठीक है, जीरो पर है। सो देखो अब मैं चौकी को एक साइड टच किया तो आपका देखो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा, आपका देखो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है आपको, दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं जैसे जॉकी को दूसरे साइड टच करूंगा तो आपका गैल्वेनोमीटर देखो बिल्कुल अपोजिट साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक
ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारा सर्किट राइट है। इससे क्या पता चलता है फ्रेंड्स, हमारा सर्किट राइट है। आप ये हमेशा चेक कीजिएगा पहले, ठीक है। तो चलो आपको करना क्या है, तो मैंने बैलेंसिंग लेंथ अभी इवन को, मैंने E1 को सर्किट में ले लिया है, ठीक है। E1 मतलब लैक्लेंचेस सेल को सर्किट में ले लिया है और E2 को ओपन रखा है, ठीक है। अब यहां से करंट पास हो रहा है। नाउ अब देखिए, जब आप इसको यहां पे रखेंगे, ठीक है, तो आपका ये एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो लेकिन आपको ना इसको नल डिफ्लेक्शन पे लेके जाना है। तो आपको करना क्या रहेगा कि जॉकी को ना पर्टिकुलर प्लेस पे टैप करना रहेगा, ठीक है। आपको इसको टैप टैप करके लेके जाना है। जैसे कि मैं इसको यहां टैप करता हूं, तो देखिए वो अब पूरा 30 के पार, मतलब एक साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊपर अभी डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू हो गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे रुक जा, अब वहां पे देखिए, अब मैं जॉकी को ना धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, तो देखिए आपका गैल्वेनोमीटर कहाँ जा रहा है, ऊपर के साइड धीरे धीरे जाते जा रहा है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो सुई जो है ना वो जीरो पे शो होगी, कहाँ शो होगी, जीरो पे। और जैसे जीरो पे शो होगी ना फ्रेंड्स, वही आपकी रीडिंग रहेगी। तो देखिए, अब देखिए मैं जॉकी को क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली ऐसे ऐसे टैप करते हुए लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही हमारा, जैसे हमें जीरो पे रीडिंग मिलेगी, हम वहीं पे अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, थोड़ा सा रोक देंगे। अब देखिए हमें ये जीरो पे मिल रहा है, हमें कहाँ मिल रहा है, ये जीरो पे मिल रहा है। और मैंने जॉकी को कहाँ रखा है, तो मैंने जॉकी को यहाँ पे देखिए, यहां से लेके यहां तक आपका 100 है, थोड़ा दूर ले, यहां से लेके यहां तक आपका क्या है 100। अब 100 के इधर में कितना सेंटीमीटर आगे आया हूं, तो 100 के इधर में आया हूं 28 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 128 फ्रेंड्स। हमारा एक बार और मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, सॉरी ये मेरा आया 134। ये मेरा कितना है फ्रेंड्स 130, क्योंकि एक लाइन के बाद जो दूसरी लाइन पे मेरा जो जॉकी है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पहली रीडिंग कितनी आ जाएगी 134 आ गई मेरी पहली रीडिंग 180। ये तो किसी बच्चे ने लिखे, तो मेरी आ गई 134, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन E2 इज इन द सर्किट, मतलब आपको अब E2 को सर्किट में लेना है और E1 को क्या कर देना है, ओपन कर देना, मतलब E2 को मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे E1 का ये निकाला, ठीक है, लैक्लेंचेस सेल वाला, और कॉपर वेसल्स को क्या करूंगा यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कॉपर वेसल्स को क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे जो मुझे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन, मुझे अभी रीडिंग्स वैसे ही लेनी रहेगी, ठीक है। आपको इसको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। आप टैप करोगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो बिल्कुल एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसे ही टैप करके रीडिंग क्या करनी है, चेक करनी है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको रीडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, सो फाइनली मुझे यहां पे मिला है, दैट इज 9। तो ये देखिए, वहां से लेके यहां तक की मेरी रीडिंग कितनी होगी 100, और ये कहां पे आया है 8 पे, सॉरी फ्रेंड्स, ये कहां पे आया 8 पे, तो 108 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 8, तो मेरी यहां पे जो रीडिंग, जो दूसरी वाली रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई 108, ठीक है। अब मुझे इसी सेकंड के लिए भी करना है, थर्ड के लिए भी करना है, फोर्थ के। सेकंड के लिए कैसे करोगे, वापस से आप बैलेंसिंग लेंथ E1 को सर्किट में लोगे। E1 को सर्किट में कैसे लेते हैं आप फ्रेंड्स, E1 को क्या करोगे, E1 के की को क्लोज करोगे और E2 के की को ओपन करोगे। चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए अभी E1 का की क्या है, ओपन है, तो मैं E1 के की को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, और E2 के की को क्या कर दूंगा, ओपन करूंगा। अब मैं दूसरी रीडिंग यहां से लेता हूं। और एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी रीडिंग कभी भी लेंगे तो हल्का सा आपको क्या करना रहेगा, ये रिहर्स्टोट को, हल्का सा रिहर्स्टोट को घूम आगे करना रहेगा, ठीक है। आप इसको कॉन्स्टेंट रख के रीडिंग मत लीजिए। जब आप तीसरी रीडिंग लेंगे तो हल्का और आगे कर देंगे, चौथी रीडिंग लेंगे हल्का और आगे कर देंगे, मतलब हल्का इसको आगे तुम्हें करना रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे वापस से टैप टैप करता हूँ, ठीक है, टैप करूंगा, वापस से टैप करूंगा। मुझे गैल्वेनोमीटर में एक साइड रीडिंग दिखा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं इसको टैप करूंगा और गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मैं उस रीडिंग को क्या करूंगा, नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे जैसे मैं रख रहा हूँ दूसरे लाइन के लगभग 184 पे, तो यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे मैंने टच किया कितना, 186, कितना टच किया, 186। तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना मिल जा रहा है, 186 पे, 186 पे मुझे मुझे E1 के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, 186। अब E2 के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको E1 को क्लोज
E1 को ओपन करना है और E2 को क्लोज कर देना है, ठीक है। E2 को क्या कर देना है, क्लोज, कॉपर वेसल्स वाले को क्लोज कर देना है और E1 को सर्किट से बाहर करना है क्योंकि हमें E2 को सर्किट में लेना है। चलो अब मैं इसको टैप 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 करते जाऊंगा, ठीक है, और रीडिंग देखूंगा कि कितना आ रहा है। तो फाइनली कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिलहाल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कितने पे शो कर रहा है, ये 66, तो इसकी रीडिंग कितनी आ गई मेरी, 166, क्योंकि 66 पे ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, 166 पे, सॉरी। तो मेरी यहाँ पे जो रीडिंग आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 166, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के लिए। तो थर्ड के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले बता दो आपको क्या करना है, हल्का सा आपको इसको रियर शॉट को हल्का सा मूव करना है, ठीक है, आपको हल्का सा रियर शॉट को मूव करना है और आपको रीडिंग क्या करनी है, चेक करनी है। मैंने अभी क्या किया है, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाया है, रेस्टोर्ट को। अब मैं क्या करूंगा, E1 को क्लोज रखूंगा क्योंकि मुझे E1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, कि K1 को क्लोज किया है और K2 को क्या किया, ओपन किया। अब मैं इसको टैप करते हुए जाऊंगा और कहाँ टैप करूंगा, जब तक मुझे डिफ्लेक्शन जीरो ना मिल जाए, ठीक है। आफ्टर ऑल आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे टैप 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 कर रहा हूँ और जैसे मुझे वैल्यू जीरो मिल जाएगी मैं वहीं पर क्या कर दूंगा, इसको स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। सो फाइनली आई गेट हियर जीरो। Finally friends, I will get here zero, null deflection that is zero. और यहाँ पे जो third reading मिल गई वो कितना मिल गई, 274, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें fourth मतलब ये तो हमारा हो गया E1 का 274, अब हम E2 का कैसे निकालेंगे, सॉरी E2 का कैसे निकालेंगे, तो आपको E1 को ओपन रखना है और E2 को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब आपको टैप टैप करते हुए जाना है और जहां पे ये वैल्यू आपको जाए, जहां पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा वहीं पे आपको क्या करना है, रुक जाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टच किया और मुझे कितना मिल रहा है, दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए मेरी यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही, तो दैट इज योर 100, एंड ये हो जाएगा आपका 200, 201, कितना हो जाएगा आपका 201। तो मेरी ये मेरी रीडिंग कितनी आ जाएगी, 201, ठीक है। अब हम कर लेते हैं फोर्थ के लिए, अब लास्ट वाला कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में आपको गैलोनो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देना है, ठीक है, और अब आपको रीडिंग मतलब चेक करें, डिफ्लेक्शन दोनों साइड दिखाना चाहिए यहाँ पे, तो ये एक साइड और ये दूसरे साइड डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीडिंग कैलकुलेट करता हूँ, आपको टैप टैप करते हुए जाना है, ठीक है, और जहाँ ये जीरो दिखाए वहीं आपको क्या करना है, रुक जाना है। सो फिलहाल ये मेरा जो जीरो है वो कहाँ दिखा रहा है, रीडिंग आ रही है वो आ रही है 313, ठीक है, फोर्थ रीडिंग 313 आ रही है सम मैथ। E2 का कैसे निकालोगे, तो E1 का आपको ओपन कर देना है, ठीक है, E1 का आपको क्या कर देना, ओपन कर देना, और E2 का क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। सो जैसे आप क्लोज करोगे तो आपको ये रीडिंग मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी देखिए, आपको क्या करना है, टैप टैप करते हुए जाना है, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है, ये यहाँ पे टैप करने पे आपको वैल्यू कितनी दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 43। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 313 के लिए 243, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमें पहले मिला था 134/108, तो 134/108, तो मुझे कितना मिल जा रहा है यहाँ पे, 1.24 यहाँ पे है। दूसरा करते हैं 186/166, तो ये हमें मिल जा रहा है 1.20, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1.12, ठीक है। थर्ड हमें कितना मिल रहा है, आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 274/201, सो हियर वी विल गेट 1.36, ठीक है, 1.36, ठीक है। नाउ लास्ट इज व्हाट, 313/243, सो हियर यू वी विल गेट 1.28, ठीक है, सो 1.28। अब आपको मीन निकालना, तो फिलहाल ये मीन नहीं आएगा, आपको सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूं, 1.25, तो मेरा जो यहाँ पे मीन मिल रहा है कितना मिल रहा है, 1.25,
ठीक है, मैंने जो ई एम एफ ऑफ सेल मतलब ये सेल का जो ई एम एफ है इसको भी मैंने मेजर किया ई वन और ई टू का, तो लगभग यही वैल्यू आएगी 1.29 और वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं, मल्टीमीटर में मेजर करते हो तो इतना ही। और मैंने ई एम एफ का बैटरी सप्लाई कितना लिया, 4 वोल्ट। देखिए यहाँ पे ये कितना मैंने सप्लाई दिया है, 4 वोल्ट, ठीक है। और इसका वोल्ट कितना है ई एम एफ में, तो ई वन और ई टू की वैल्यू 1.2 है, उसका 1.04 का ये है। आप इसको मल्टीमीटर में मेजर कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स लगा के। इसी के हिसाब से फ्रेंड्स एक इंडिविजिबल मेथड है ये वाला, ये इंडिविजिबल मेथड, और ये भी इसी के हिसाब से करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये इंडिविजुअल मेथड का आधा पोर्शन मैंने इसमें इस वीडियो में कराया है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दूसरा वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिए, दैट इज सम एंड डिफरेंस मेथड, उसमें आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। सो वीडियो कंप्लीट देखने के लिए आप दोनों वीडियोस देखिए, ठीक है। इस चैनल पे दोनों वीडियोस हैं, आप जाइए उसको आराम से सर्च कीजिए, 12 फिजिक्स प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 10 के सम मेथड, डिफरेंस मेथड और इंडिविजुअल मेथड। फ्रेंड्स आपने एक्सपेरिमेंट देखा, इस एक्सपेरिमेंट को मैंने कैसे बताया है, तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारे मेहनत लगते हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर पूछे, मैं आंसर दूंगा उसका। ये आपका पहला मेथड है, दैट इज इंडिविजुअल मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।